दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल द व्यंजन में। तो दोस्तों, आज मैं मेथी की ऐसी रेसिपी लाई हूँ कि बना के आपको मज़ा आ जाएगा। तो जब तक मार्केट में मेथी है, आप इसे ज़रूर बनाएं, और जिस तरह से मैं बनाती हूँ उस तरह से एक बार बनाएंगे तो आपका बार बार उसे बनाने का मन करेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं मेथी की बहुत ही टेस्टी सी सब्जी। तो मेथी का सीजन जाने से पहले आप ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा। तो सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 250 ग्राम मेथी। ये देखिए, मैंने इसे धुल के अच्छे से साफ कर लिया है और मोटी मोटी जो डंठल थी उसे हटा दिया है और बस ज़्यादा मोटी डंठल नहीं रखी है। तो चलिए इसे हम बारीक बारीक कट कर लेते हैं। तो देखिए, मैंने इसे बारीक कट कर लिया है। अब हम इसमें कुछ मसाले मिलाएंगे। तो आधा चम्मच के करीब जीरा है और थोड़ी सी हींग है इसमें, और एक चम्मच के करीब हम इसमें मिला देंगे ये अदरक लहसुन का पेस्ट। नमक मिलाएंगे हम थोड़ा सा टेस्ट के हिसाब से, क्योंकि आगे भी हम नमक यूज़ करेंगे तो उसी हिसाब से नमक हम डालेंगे। और आधा चम्मच के करीब ये लाल मिर्च पाउडर, और बस अब इसमें हम मिला देंगे करीब 4 से 5 चम्मच ये हमारा बेसन। तो हाथ से मिलाएंगे, अच्छे से मिलाते बनता है, और जितना बारीक आप कट कर लेंगे ना उतना अच्छा और अच्छे से मिलाते बन जाता है। तो बस इसे मिला देंगे। तो बेसन मिलाने से पहले आप अपनी मेथी में जो है पानी बिल्कुल मत डालिए, क्योंकि मेथी का पानी ही मतलब भर का निकलता है। तो ये देखिए, अच्छे से ये हमारा डो एक बन गया है। तो आपकी जितनी भी मेथी हो आप अपनी मेथी के हिसाब से डाल लीजिएगा बेसन। ये मत सोचिएगा कि 5 ही चम्मच डालना है, ऐसा नहीं है। जितनी आपका मेथी हो उस हिसाब से डाल लीजिए। तो मैंने यहाँ पर देखिए एक अच्छा सा डो बना के सेट तैयार कर लिया है। इसे रख देते हैं हम साइड में, चलिए चलते हैं गैस की तरफ। तो यहाँ पे मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है और इसमें करीब 5-6 चम्मच ऑयल ले लिया है। तो अगर आप ज़्यादा तेल डालना चाहें तो 6-7 चम्मच भी कर सकते हैं। तो जितना ऑयली सब्जी आप बनाना चाहते हैं उस हिसाब से आप तेल ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर सरसों का तेल 5-6 चम्मच करीब डाला है। जब हमारा तेल गर्म हो जाएगा तब हम इसमें जीरा डालेंगे। तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा, 1 छोटी इलायची, 1 छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का और थोड़ी सी जावित्री। साथ में डाल देंगे 1 तेज पत्ता। जीरा हमारा चटक गया है, अब इसमें हमने ये 2-3 प्याज पीस के रखे थे वो डाल देंगे। देखिए, प्याज हमारा गोल्डन होने लगा है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, और या फिर आप लहसुन भी सिर्फ कूट के डाल दीजिए ऊपर से, बहुत ही अच्छा उसका फ्लेवर आएगा। साथ में मैंने यहाँ पर रखा है 2-3 टमाटर, अच्छे से पीस के रखे हैं। तो बस इसे भी डाल देंगे इसमें हम, और इसे भी अच्छे से हम पकाएंगे। लेकिन साथ में हम डालेंगे इसमें कुछ मसाले। तो यहाँ पर डालेंगे हम 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच के करीब हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच तीखी लाल मिर्च, और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच ये कश्मीरी लाल मिर्च, ताकि कलर भी अच्छा आए। क्योंकि बच्चे मेथी देख के मुंह बनाते हैं, क्योंकि वो हरी हरी होती है तो सोचते हैं अच्छी नहीं है। तो इसमें हमने डाल दिया है 1 चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च, अच्छा सा कलर आएगा। और साथ में हम डाल देंगे 1 चम्मच ये मैगी मसाला। तो मैगी मसाला ज़रूर डालिए, क्योंकि बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। जिस सब्जी में भी पड़ती है ना मैगी मसाला, बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है। तो बस इसे हम अच्छे से पकाएंगे। तो देखिए, टमाटर अच्छे से पक गया है और तेल भी छोड़ने लगा है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 कटोरी के करीब पानी हम डाल देंगे इसमें। तो ये जो मेरा छोटा सा लोटा है, ये 1 कटोरी पानी फुल इसमें आता है। तो अब इसे हम अच्छे से उबाल आने देते हैं इसमें। तो देखिए दोस्तों, अच्छा सा ये उबाल आ चुका है। तो अब यहाँ पर मेन बात ध्यान देने वाली है कि जो हमने ये डो बनाया है अपनी ये मेथी का, तो अब यहाँ पर इसका हम क्या करें। तो अगर आप ऑयली खाना खा लेते हैं, आपको ज़्यादा ऑयल से कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इसका क्या करिए, इसके कोफ्ते बना के तल लीजिए और तल के इसमें डाल दीजिए। दूसरा, अगर आप ऑयली खाना नहीं पसंद करते हैं तो आप दूसरा ऑप्शन है, आप कर सकते हैं इस तरह की कोई जाली हो तो आप इसके ऊपर रख दीजिए ऐसे, और यहाँ पर आप ये जो डो बनाया है उसे रख दीजिए और इसको कवर करके अच्छे से पका लीजिए, स्टीम कर लीजिए, उसके बाद आप इस ग्रेवी में डाल दीजिए। लेकिन अगर आपके पास इस तरह की जाली नहीं है तो तीसरा ऑप्शन है कि आप जो हमने ये डो बनाया है, इस डो को डायरेक्ट
आप इसी ग्रेवी में डाल दीजिए। तो आपको जो तरीका अच्छा लगे, देखिए इस तरह से जैसे मैं बना रही हूँ इस तरह से डाल दीजिए ग्रेवी में। तो चाहे तो आप गोला आकार में डालिए या आप लंबी लंबी मुठिया बना लीजिए, जैसे कई चीज़ों में मुठिया बनाई जाती है तो बेसन की, तो उस तरह से बना लीजिए। मैं तो चम्मच से सीधे गोल गोल बना के बस इसे डालती जा रही हूँ और बहुत ही टेस्टी सब्जी बनके हमारी तैयार होगी। तो मैंने तीन ऑप्शन आपको दिए हैं, या तो आप स्टीम करके डाल दीजिए, या फिर आप फ्राई करके डाल दीजिए, और या डायरेक्ट आप पानी में डाल दीजिए। लेकिन तीनों में ही टेस्ट बहुत फ़र्क हो जाता है, तीनों में टेस्ट में बहुत फ़र्क हो जाएगा। अगर आप स्टीम करेंगे तो जो ये हम कोफ्ते अपने बना के डाल रहे हैं इसमें, तो अगर स्टीम करेंगे तो उसमें क्या होता है ना, पानी नहीं होता है, भाप में पकता है। तो ये जो हमने बेसन मिलाया है ये थोड़ा सा टाइट हो जाता है, ज़्यादा नहीं हार्ड होता है बट थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। लेकिन अगर हम इसे सीधे पानी में बनाते हैं तो ये जो कोफ्ते हमारे बनते हैं ना बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। और अगर आप इसको फ्राई करके बनाते हैं तो ऑयल हो जाता है उसमें ज़्यादा, तो टेस्ट तो फ़र्क हो ही जाता है। तो आप कोशिश करिए कि ऑयल कम ही यूज़ करें, इस तरह से बनाएं सब्ज़ी, बहुत टेस्टी बनेगी और ऑयल फ्री भी बनेगी और बहुत सॉफ्ट बनेंगे, मतलब हार्ड भी नहीं होगा। तो देखिए डालते ही हमारे ये जो हमने अभी कोफ्ते डाले हैं अच्छे से सेट हो गए हैं। तो इसका जो उबाल है वो पकना जो है इसका बना रहना चाहिए, गैस को धीमी नहीं करना है डालते समय। तो बस अभी से हम क्या करेंगे, 5 मिनट ढक के ऐसे ही पकने देंगे इसे। तो देखिए दोस्तों हमारे कोफ्ते बनके एकदम तैयार हैं, पक चुके हैं। देखिए दोस्तों मैं एक कोफ्ता आपको फोड़ के दिखाता हूँ, ये देखिए बिल्कुल छूते ही एकदम रुई की तरह सॉफ्ट सॉफ्ट एकदम फूट जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों सब्जी हमारी पक चुकी है अब अच्छे से। तो अब गैस हम बंद कर देते हैं और सर्व करने से पहले हम इसमें बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल देंगे। तो देखिए दोस्तों तैयार है हमारे ये मेथी के कोफ्ते और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो आप भी एक बार ये सरल सी आसान सी और मज़ेदार रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अगर आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आप इंजॉय करिए ये हमारे मेथी के कोफ्ते, और हम मिलते हैं आपको अपनी अगली ऐसी ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी के साथ। बाय बाय।